हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में। इस सीरीज में हम लक्ष्मीकांत का डिटेल से अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5वां है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संविधान का जो पार्ट 1 है ना, उसके आर्टिकल 1-4 में जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, उसके बारे में डिटेल से लिखा गया है। तो हम इसके बारे में अब जानेंगे, टॉपिक वाइज आर्टिकल वाइज डिटेल में देखेंगे। इसमें 4 आर्टिकल दे रखे हैं, पार्ट 1 है, इसमें 4 आर्टिकल हैं। तो पहले आर्टिकल में क्या लिखा है, पहले आर्टिकल में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट मतलब केंद्र सरकार है, पार्लियामेंट है, उसको 2 प्रकार की शक्तियाँ दी गई है। आर्टिकल 1 में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है। कौन कौन की 2 प्रकार की व्यवस्था की गई, कौन कौन सी 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है? तो इसमें पहली व्यवस्था है, पहली जो व्यवस्था है वो है देश के नाम के बारे में, और दूसरी है वो देश की राज्य व्यवस्था, देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम पहली व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो देश का जो नाम है ना, उसके संबंधित भी बहुत सारे मतभेद हुए थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब संविधान सभा बन रही थी, संविधान का कार्य चल रहा था, उस टाइम में देश के नाम को लेकर बहुत सारे मतभेद थे। कई लोगों का कहना था कि भारत है उसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, कई लोग भारत के पक्ष में थे, कई लोग इंडिया के पक्ष में थे, इसलिए अलग अलग प्रकार के मतभेद थे उस टाइम में। फाइनली एक नाम दिया गया, सब लोगों ने मिलकर भारत का नाम प्रस्तावित किया, वो नाम था इंडिया दैट इज भारत। सब ने इस पर सहमति जताई और आखिर में यही नाम रखा गया, इंडिया दैट इज भारत। और संविधान के आर्टिकल 1 के पार्ट 1 में लिख दिया गया इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इस प्रकार का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में लिख दिया गया। तो नाम पर जो मतभेद थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन अभी फिर से एक बार उठने लगे हैं कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाना चाहिए। वो एक पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा, उस पर हम नहीं घुसेंगे। हम बात करते हैं इसके दूसरी जो व्यवस्था थी उसके बारे में। दूसरी व्यवस्था थी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से संबंधित। अब इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था। कई लोगों का कहना है कि जब संविधान में इसका नाम अडॉप्ट, जो राज्य व्यवस्था अडॉप्ट की गई थी वो की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सी राज्य व्यवस्था अडॉप्ट की गई थी, वो व्यवस्था की गई थी यूनियन ऑफ इंडिया। अब ऐसी व्यवस्था क्यों अडॉप्ट की गई थी, जब हमारा देश है वो मतलब फेडरलिज्म है, हमारे देश में संघीय देश है, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा, यहाँ पर लिखना था फेडरेशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा? जब अमेरिका की बात करते तो वहाँ पर फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट आता है, तो वहाँ पर ऐसा, और भारत में यूनियन ऑफ स्टेट क्यों लिखा, यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा? तो इसके संबंध में B.R. अम्बेडकर जी को जी पूछा गया कि आपने यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा, तो उनका कहना था भारत है वो किसी राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात उनका कहना है कि अमेरिका में क्या हुआ है, अमेरिका में बहुत सारे राज्य पास पास में मिले और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम सारे मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, वो देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा, और राज्यों के पास भी इक्वल पावर होगी, राज्य चाहे तो देश से अलग हो सकते हैं, राज्यों के पास खुद का संविधान होगा, राज्यों के पास में खुद का फ्लैग होगा, राज्यों के पास में खुद की सुप्रीम कोर्ट होगी, राज्य है वो सेंटर की इक्वली उनके पास में पावर होगी। बट इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया पहले से एक देश था, उसने प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को अलग अलग बांटा था, तो इंडिया है वो अमेरिका से अलग था, इसलिए इंडिया में है ना राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों के पास में कोई स्पेशल पावर नहीं है, राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा गया है, साथ ही साथ में राज्यों के पास वो खुद का संविधान नहीं है, एकल नागरिकता है राज्यों के लिए, कोई अलग नागरिकता नहीं है, USA में अलग नागरिकता है, राज्यों के पास भी अलग से फ्लैग नहीं है हमारे राज्यों के पास में, इसलिए जो भारत है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी सब के बावजूद, इसी कारणवश ही हमारा जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया न होकर के यूनियन ऑफ इंडिया है। अम्बेडकर जी ने ये सब बयान दिए, ये सब बात करके तर्क देके इन्होंने कहा इंडिया है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब हम एक के बारे में, आर्टिकल 1 है उसमें क्या क्या व्यवस्था दी गई उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 1 में इंडियन जो टेरिटरी है ना, इंडियन टेरिटरी को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। आर्टिकल 1 है उसमें इंडियन टेरिटरी को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। कुछ किस प्रकार की कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया, तो पहली कैटेगरी है वो है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का क्षेत्र, राज्यों की जो टेरिटरी उसकी बात की गई। दूसरी जो दूसरा टाइप है, दूसरी कैटेगरी है वो है यूनियन टेरिटरी यानी संघ क्षेत्र, और तीसरी कैटेगरी वो है भारत द्वारा यानी इंडिया द्वारा एक्वायर की गई टेरिटरी। आर्टिकल 1 में 3 प्रकार की जो कैटेगरी है उसमें क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरी है टेरिटरी ऑफ यूनियन, तीसरी है इंडिया द्वारा अक्वायर की गई टेरिटरी। इंडिया अक्वायर मीन्स
इंडिया ने देखो आजादी के बाद में इंडिया ने गोवा को अक्वायर किया, सिक्किम को अक्वायर किया, पुडुचेरी को अक्वायर किया, इस प्रकार की ये इंडिया द्वारा अक्वायर की गई टेरिटरी से संबंधित है। अब आर्टिकल के अलावा हमारा जो शेड्यूल वन है ना, उसमें भी स्टेट यूटीज, उनके नाम, उनके टेरिटरी, इन सब के बारे में वर्णन है। आपने अनुसूचियों के बारे में देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा, तो उसमें अनुसूची फर्स्ट है ना, शेड्यूल वन, उसमें राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो इन सब के नाम के बारे में, इनके टेरिटरी के बारे में वर्णन है। और इस शेड्यूल की बात करें तो इसमें हमारी 28th स्टेट है, 28 राज्य, 9 यूनियन टेरिटरी के बारे में लिखा गया। पहले कितने राज्य थे, जम्मू कश्मीर से पहले 29 राज्य थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, अब 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान है वो इन सभी राज्यों पर इक्वली लागू होता है। 2019 से पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के लिए ये प्रोविजन नहीं थे, जम्मू कश्मीर पर संविधान के सारे प्रोविजन लागू नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया था, स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। बट 2019 में जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसे हटा दिया गया, अब जम्मू कश्मीर पर भी भारत के संविधान के सारे जो आर्टिकल है वो समान रूप से लागू होंगे। बट कुछ है, कुछ राज्यों को कुछ स्पेशल पावर दी गई है, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए कुछ राज्यों के लिए। अगर कोई पिछड़े राज्य हैं, शेड्यूल ट्राइबल राज्य है, कोई जनजातीय राज्य है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल पावर की व्यवस्था की गई है। जैसे आप देखा होगा महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, इनके बारे में हमारी 5th और 6th शेड्यूल में भी कुछ राज्यों का वर्णन है, उनके लिए भी कुछ स्पेशल विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार कुछ राज्यों के लिए उनकी बैकवर्डनेस यानी कि वो कितने पिछड़े हैं उसको देखते लिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम कुछ देख लेते हैं कि एक वर्ड होता है भारत का यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र, और दूसरा होता है संघ का क्षेत्र। तो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत क्या आता है, इसमें यूटी आता है मतलब यूनियन टेरिटरी आता है, राज्य आते हैं, साथ ही साथ में आते हैं इंडिया द्वारा एक्वायर की गई जो टेरिटरी है वो शामिल है। भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूटी यूनियन टेरिटरी, स्टेट, राज्य और इंडिया द्वारा एक्वायर किया गया पार्ट है वो भी इसमें आता है। जबकि हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, एक वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी की बात हो रही है, दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के संघ के बारे में बात हो रही है। तो संघ तो छोटा ही होगा ना, तो जब संघ की बात है तो यहाँ राज्य और केंद्र की बात हो रही है, और जब टेरिटरी की बात होती है पूरे भारत की टेरिटरी की बात हो रही है, तो टेरिटरी में ज्यादा शामिल है, ज्यादा पार्ट शामिल है, और संघ में कम पार्ट शामिल है। संघ में भारत के द्वारा एक्वायर की गई वो पार्ट शामिल नहीं है, जब टेरिटरी की बात करते हैं तो वो पार्ट भी शामिल है। समझ में आ गया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो ब्रॉड है, किसी यूनियन ऑफ इंडिया से ज्यादा ब्रॉड है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब कुछ आप राज्य व्यवस्था जैसे कि पावर शेयर की बात करते हो, तो जो राज्य है, स्टेट है, वो यूनियन के साथ में पावर शेयर करते हैं, यही तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्टेट है वो सेंट्रल के साथ में पावर शेयर करती है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और हमारा देश है वो तो फेडरल कंट्री है, संघीय देश है, तो स्टेट है वो संघ के साथ पावर शेयर करती है। बट वाइल जब हम बात करते हैं किसकी, यूनियन टेरिटरी की, तो दिल्ली के छोड़ के ज्यादातर जो यूनियन टेरिटरी है ना वो प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर है, उनका जो प्रशासन है वो केंद्र द्वारा संभाला जाता है। दिल्ली में भी जो पुलिस वगैरह देखते हो तो वो केंद्र पर निर्भर है। तो जो हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो वो यूनियन टेरिटरी केंद्र के अधिकृत है, और साथ ही साथ जो भारत द्वारा, भारत ने कुछ भाग को अधिकृत किया, एक्वायर किया है, वो भी उनका प्रशासन भी डायरेक्ट केंद्र द्वारा चलाया जाता है, सेंटर द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार से इंडिया एक सॉवरेन देश है, वो किसी कहीं अपनी जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है, उपहार के तहत किसी को गिफ्ट कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इस प्रकार से इंडिया ने दादरा नगर हवेली है, गोवा है, दमन दीव है, ठीक है, इन सबको एक्वायर किया है। तो ये पूरा, क्योंकि इंडिया सॉवरेन है इस प्रकार से ये कर सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल 1 के बारे में था, हम आर्टिकल 2 देख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 के बारे में देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 2 है ना, आर्टिकल 2, वो संसद है यानी पार्लियामेंट को इंपावर करता है। क्या इंपावर करता है, क्या शक्ति देता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि पार्लियामेंट एक तो नई राज्यों का गठन कर सकती है, पार्लियामेंट है वो नए राज्य बना सकती है। किस प्रकार से नए राज्य बना सकती है, तो पहला वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, ठीक है। पहला तो 2 या 2 से अधिक राज्य उनको मिलकर एक नया राज्य बनाना है। दूसरा, कुछ राज्यों को काट के एक छोटा राज्य बना, और जो ऐसे राज्य हैं जो भारत का पार्ट नहीं है उन राज्यों को भी हिस्सा बना सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करा सकता है, वो राज्य जो भारत का पहले से पार्ट है उनको भी शामिल करवा सकता है, और जो राज्य भारत का पार्ट नहीं है उनको भी शामिल करवा सकता है। आर्टिकल 2 और 3 में कन्फ्यूज मत होना। आर्टिकल 2 बात करता है
पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट करता है, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि पार्लियामेंट है वो कुछ राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करवा सकता है। पार्लियामेंट को एम्पावरमेंट दिया गया है कि पार्लियामेंट है वो नए राज्यों को, एक तो पहले से भारत का हिस्सा है, जैसे कि हम बात करते हैं गुजरात, गुजरात पहले से भारत का हिस्सा है, राजस्थान पहले से भारत का हिस्सा है, तो इसको भी चेंज कर सकता है, या तो हटा सकता है भारत से या फिर भारत में लागू करवा सकता है। और एक दूसरी इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो टेरिटरी भारत का हिस्सा नहीं, एग्जाम्पल के लिए लक्षद्वीप है वो भारत के पास नहीं था, तो भारत ने इसको एक्वायर करके भारत में शामिल करवा दिया है। तो पार्लियामेंट को दो प्रकार की शक्ति दी गई है आर्टिकल 2 के अंतर्गत, 3 में इसमें 2 में कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर एक तो जो पार्ट है उसी को शामिल करवाना, एक नहीं है उसको शामिल करने की बात की। जब 3 देखोगे तो वहाँ पर जो ऑलरेडी शामिल है उससे काट कर नया राज्य बनाना, या फिर नया राज्य उसे काट के छोटा करना, या फिर नए राज्यों को पूर्णतः खत्म करना, जैसे जम्मू कश्मीर को उसको यूनियन टेरिटरी बनाना, यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाना, राज्य का नाम सेवा चेंज करना, नाम चेंज करना, उसकी सीमा को चेंज करना, ये सब कर सकता है पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत। 2 में एक तो नया पार्ट है उसको लागू करना, और एक जो ऐसा पार्ट है जो भारत का पार्ट नहीं है, ऐसा भूभाग जो भारत का पार्ट नहीं है उसको शामिल करवा सकता राज्य, उसको केंद्र सरकार शामिल करवा सकता, उसको पार्लियामेंट शामिल करवा सकती भारत में। अब आर्टिकल 3 के बारे में, आर्टिकल 3 के बारे में बात करें तो ये पार्लियामेंट को है उस पावर करता है, ये इसका पूरा पढ़ोगे ये लिखा है एम्पावर टू पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज द स्टेट। क्या लिखा है इसमें, राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति दी गई, किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट पावर टू रिकॉग्नाइज द स्टेट, राज्यों को पुनर्गठित करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, किसे, पार्लियामेंट को दी गई है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट को ताकत दी गई है, शक्ति दी गई है, एम्पावर किया गया है कि वो राज्यों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, पुनर्गठित कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है, इस प्रकार की जो आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है। अब किस किस प्रकार से इसका यूज कर सकता है, पहला आर्टिकल 3 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकता है, पार्लियामेंट है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकता है, साथ ही साथ में कोई राज्य क्षेत्र उसे घटा सकता है, राजस्थान बड़ा है कुछ भूभाग को हरियाणा में शामिल कर दिया, राजस्थान छोटा हो गया, ठीक है, कुछ बढ़ा सकता है, गोवा छोटा है कुछ महाराष्ट्र का भाग ऐड करके गोवा को बड़ा कर दिया, बाउंड्री चेंज कर सकता है, ये बाउंड्री चेंज हो रही है, नाम चेंज कर सकता है, उड़ीसा से ओडिशा, ये सब नाम ही तो चेंज हो रहे हैं ना, तो नाम चेंज कर सकता है, इस प्रकार की पार्लियामेंट के पास पावर है। अब इसके लिए जो भी मतलब केंद्र सरकार है इस प्रकार की नए नए चेंज ला सकता है राज्यों में, तो इसके लिए 2 कंडीशन है, कौन कौन सी 2 कंडीशन है जिसे फुलफिल करना जरूरी है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि राज्य केंद्र सरकार को यानी पार्लियामेंट को अगर इस प्रकार का काम करना राज्यों में कुछ चेंजेस लाने हैं ना, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्रायर रिकमेंडेशन, पूर्व अनुमति जरूरी है। क्या 2 कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है कि राष्ट्र इस प्रकार का कार्य यानी राज्य के नाम परिवर्तन करना है, सीमा परिवर्तन करनी है, बढ़ाना है, घटाना है, चेंज करना है, कुछ भी ऐसा करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और ये अनुमति है ना, राष्ट्रपति इस प्रकार की जो अनुमति है यानी प्रायर रिकमेंडेशन है वो देने से पहले राष्ट्रपति को जो राज्य विधानमंडल है ना, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, उसे कंसर्न करना जरूरी है, उसका मत जानना जरूरी है। किस किस प्रकार की 2 कंडीशन को समझ लेना, आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि नए राज्य के परिवर्तन से पहले कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। तो पहला, पार्लियामेंट को राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रपति को अनुमति देने से पहले जो राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य का स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उससे मत उसका मत जानना जरूरी है। राष्ट्रपति जी से पूछ लिया अभी मोदी जी ने कि हमें राज्य का नाम चेंज करना है, अब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राजस्थान का नाम चेंज करना है, मध्य प्रदेश का नाम चेंज करना, महाराष्ट्र का नाम चेंज करना है, तो वहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेचर है उससे पूछेंगे राष्ट्रपति जी कि हमें ये नाम चेंज करना है, आपका आप मत वोट बता दो, आपका मत बता दो, आपकी राय बता दो, आप क्या चाहते हो। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उन्होंने बोल दिया हम नहीं चाहते कि नाम चेंज हो, इन्होंने राष्ट्रपति को बोल दिया, तय सीमा के भीतर भीतर राष्ट्रपति को बोल दिया हम नहीं चाहते कि नाम चेंज हो, बट अब राष्ट्रपति चाहे तो इनको माने इनके मत को, चाहे तो इनके मत को न माने, इन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है स्टेट लेजिस्लेचर ने, राष्ट्रपति चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे चाहे तो इसे डिनाई करे, ये पूरा राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं है कि राष्ट्रपति इस प्रकार की एडवाइस को माने, ओनली पूछना जरूरी है आपको, टेम्परेरी आपको ऐसे करना है, हाँ हमने पूछ लिया, ये बस पूछना जरूरी है आपको, एक फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी में पूछ लिया काम हो गया अपना, अब अपना तो काम हो गया, आपने पूछ लिया है और स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया है,
और पॉइंट ऑफ व्यू राष्ट्रपति मानेंगे नहीं, कि राष्ट्रपति को मानना होता तो पूछते ही नहीं, मतलब पूछना था टेम्परेरी वो पूछ लिया, और अब मानना वाले हैं नहीं वैसे भी, तो वापस पूछा। अब राष्ट्रपति जी वापस हर बार नहीं पूछेंगे, एक बार पूछ लिया जी हमें आपका मध्य प्रदेश का नाम चेंज करना है, गुजरात का नाम चेंज करना है, आप अपना मत बता दो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, राष्ट्रपति बोलेंगे हमें मंजूर नहीं, हम तो नाम चेंज करेंगे, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब कुछ और थोड़ा बहुत कि नहीं यार एक बार दोबारा भी चेंज करना, थोड़ा बहुत कुछ करना है, तो बार बार नहीं पूछेंगे, एक बार पूछ लिया अब खत्म है, अब हम कुछ भी करेंगे, एक बार पूछ लिया वो बहुत है। तो राष्ट्रपति ओनली एक बार ही अनुमति लेंगे, बार बार अनुमति नहीं लेंगे, बार बार प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, एक बार अनुमति ली वो बहुत है, ठीक है, उसे मारना नेसेसरी नहीं है और एक बार अनुमति लेना है। समझ में तो आ रही नहीं सारी चीजें क्या हो रहा है। दो कंडीशन है, राष्ट्रपति अनुमति लेंगे, अब अनुमति राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है, अनुमति लेने से पहले राष्ट्रपति जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उससे अनुमति लेगा, उसका मत जानेगा, मत को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा है, वो चाहे तो मत को माने चाहे तो मत को न माने, ठीक है। एक बार इन्होंने जान लिया फिर बार बार राष्ट्रपति को इस प्रकार के काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार पूछ लिया अब कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये तो हम बात कर ली राज्यों के बारे में, जब स्टेट की बात होती है तो राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है, बट हम बात करें अब यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली पर मोदी जी का मन आएगा नहीं यार, दिल्ली को है ना राज्य बना देते हैं, काफी टाइम से मांग कर रहा दिल्ली, तो इसको राज्य बना देते हैं, या फिर लद्दाख है उसको राज्य बना सकते हैं, या फिर दोनों को मिला लेते हैं, या फिर नाम ही चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ मन में आ गया मोदी जी के, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मन में आ गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो क्या राष्ट्रपति को पूछेंगे? नहीं भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति को नहीं पूछा जाएगा, यूनियन टेरिटरी के मामले में पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट एक्शन ले सकती है कभी भी, जब चाहे तब दिल्ली को राज्य बना दिया, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जी की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो संविधान में ये लिखा गया है कि यूनियन टेरिटरी के मामले में पार्लियामेंट कभी भी एक्शन ले सकती है, तो इससे यही सिद्ध होता है कि भारत में है ना संविधान में राज्यों की अस्तित्व की गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि राज्य परमानेंट ही रहेंगे, ये तो मोदी जी पर मतलब पार्लियामेंट पर, ऐसे फन वे में बोल रहा हूँ, ये तो पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट चाहे तो जम्मू कश्मीर जैसा कभी भी कर सकती है, राज्य से यूनियन टेरिटरी बना सकती है। तो यहाँ पर राज्यों की अस्तित्व की गारंटी नहीं है कि राज्य परमानेंट रहेंगे, केंद्र यानी संघ के अस्तित्व की गारंटी कि हिंदुस्तान रहेगा, भारत रहेगा ही रहेगा, भारत को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए तो कहा जाता है भारत को अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ, इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, इसीलिए तो कहा जाता है ना भारत को अविभाजित राज्यों का विभाजित संघ कहा जाता है भारत को, क्योंकि भारत है वो अविभाजित नहीं हो सकता है, राज्य कभी भी विभाजित हो सकते हैं, राज्य कभी भी डिस्ट्रिक्टेबल हो सकते हैं, टूट सकते हैं, संघ को डिस्ट्रिक्टेबल यानी टूट नहीं सकता संघ। और यूएस की बात करते हैं ना तो वहाँ पर राज्य भी अविभाजित हैं और संघ भी अविभाजित है, वहाँ पर किसी को भी तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम आर्टिकल 4 के बारे में देखेंगे, आर्टिकल 1 देख लिया भारत के नाम और व्यवस्था के बारे में था, व्यवस्था यूनियन ऑफ इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत नाम है, उसके बाद में आर्टिकल 2 नए राज्यों को शामिल करवा सकता है और भारत जो राज्य उनको भी शामिल कर सकता है, आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन है, एक से दो राज्य बनाना, दो से एक राज्य करना, नाम चेंज करना, सीमा चेंज करना, बड़ा करना, छोटा करना, सारा पार्लियामेंट के पास में पावर है, राष्ट्रपति की अपने पूरा अनुमति जरूरी है, राष्ट्रपति पूरा अनुमति से पहले विधानसभा से पूछेगा, विधानमंडल से पूछेगा, उसके बाद में यूनियन टेरिटरी के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, देख लिया आपने। अब हम आर्टिकल 4 के बारे में बात कर लेते हैं, आर्टिकल 4 के बारे में, अनुच्छेद 4 में है ना घोषित किया गया है कि केंद्र के पास में यानी कि पार्लियामेंट के पास में पावर है, किस चीज की पावर है, कि वो राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, ये सब तो कर सकते हैं राज्य, ठीक है, हमने पढ़ी लिया, आर्टिकल 2 कहता है कि नाम चेंज सॉरी उसी नई राज्यों को शामिल करने से संबंधित है, आर्टिकल 3 कहता है नाम चेंज कर देंगे, सीमा चेंज कर देंगे, तो ये जो दो पावर है वो किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है जी, समझ में ये बात है। अब आर्टिकल 4 ये कहता है कि इस प्रकार का जो चेंज कर रहे हो ना आप, है ना, इस प्रकार का चेंज परिवर्तन ला रहे हो सीमा में, इसके लिए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से सिंपल कानून से इसको चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 राज्यों के से संबंधित कोई भी डिसीजन अगर पार्लियामेंट को लेना है तो इसके लिए आपको आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से
इस प्रकार का डिसीजन ले सकते हो। सिंपल मेजोरिटी से राज्यों में कोई भी परिवर्तन ले सकते हो। इसीलिए पार्लियामेंट मन चाहे तब राज्यों में कुछ भी चेंज कर सकती है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में चेंज करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट जब चाहे तब सिंपल मेजोरिटी से चेंजिंग कर सकती है। अब ये तो हमने समझ लिया। एक क्वेश्चन बार बार ये आ रहा था कि हमारी जो टेरिटरी है ना, वो किसी दूसरे देश को दे सकते हैं क्या? जैसे कि भारत के पास में अभी कोई पार्ट है, उस टाइम में था बेरुबाड़ी संघ था एक, जो अभी बांग्लादेश का हिस्सा है, तो वो भारत के पास में था। उस टाइम में बांग्लादेश था नहीं, उस टाइम में पूर्व पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान ने बोला कि जो बेरुबाड़ी है वो हमारा है, भारत ने बोला हमारा है। बट भारत ने मान लिया कि हाँ आपका है, तो आपको हम बेरुबाड़ी दे देंगे, बदले में आप हमारी जमीन हमें वापस दे देना। इस प्रकार का कोई डिसीजन चल रहा था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय जी के सामने गया। न्यायाधीशों ने कहा, पूछा न्यायाधीशों जी को कि क्या हम हमारा जो बेरुबाड़ी संघ है वो दे सकते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि ये है तो उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पर डिसीजन चले, इस पर विचार विमर्श चले कि हमारा जो इंटरनल पार्ट है वो कैसे किसी देश को दे सकते हैं, और देश अगर दे भी सकते हैं तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अमेंडमेंट है तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत होगा, और स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार के सारे डिसीजन, इस प्रकार के सारे निर्णय लेने के लिए एक क्वेश्चन गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारत है वो अपने किसी टेरिटरी को दूसरे देश को दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो मामला है ना, इसे बेरुबाड़ी संघ मामला भी कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने मामले में कहा, अपने डिसीजन में कहा, अपने निर्णय में कहा कि देखो पार्लियामेंट ने काफ़ी सारी बातें कही, लेकिन अपन स्पेशल बातें, मेन बातें उस पर फोकस करेंगे कि पार्लियामेंट है वो अपना कोई भी पार्ट है वो किसी और देश को दे सकता है, बट इसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट जरूरी है। संविधान संशोधन करके स्पेशल मेजोरिटी से अगर पारित करके वो अमेंडमेंट कर लेती है तो ही वो अपना पार्ट है, अपना हिस्सा है, वो किसी दूसरे देश को दे सकती है। तो ऐसा ही किया गया, वहाँ पर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया 1960 में, और जो बेरुबाड़ी था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बेरुबाड़ी संघ मामले में आया कि हमारी जमीन किसी को दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ आप अपनी जो जमीन है वो किसी को दे सकते हो, बट इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजोरिटी के साथ में अमेंडमेंट पास करना होगा, और अमेंडमेंट पास करके आप अपनी जमीन किसी को दे सकते हो, अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हो। इसीलिए नौवां कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान अमेंडमेंट एक्ट आया, नौवां संविधान संशोधन अधिनियम आया, जो आया था 1960 में, और इसी के माध्यम से जो बेरुबाड़ी थी ना उसे पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया, आज के बांग्लादेश को दे दिया गया। तो ये पूरा था इसके संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला उसके बाद में। इसके बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एक मामला आया कि देखो ये तो हमारी को जमीन किसी को देनी थी, बट हमारी को जमीन है, सीमा का विवाद है, कुछ बॉर्डर की कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो चल रही है, जैसे भारत चीन के बीच में चल रही है, भारत बांग्लादेश के बीच में चल रही है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में देखो 2015 में जमीन एक्सचेंज भी की थी, लैंड एक्सचेंज, टेरिटरी एक्सचेंज भी हुई थी, तो उसका वो जो मामला था वो पहले से चला आ रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो अगर आपको अपनी टेरिटरी किसी को देनी नहीं है ना, ओनली जो प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी को टेरिटरी देनी है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो भी 368 के अंतर्गत, 368 के तहत आपको स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी को बाउंड्री देने की आवश्यकता है नहीं, टेरिटरी किसी को देनी नहीं है, बट आपका जो सीमा का विवाद है ना, जो टेरिटरी पर मतलब बाउंड्री पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको समाधान करना, उसका समाधान करना, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से 368 के अंतर्गत आपको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करके अपनी जो बाउंड्री पर जो टेंशन चल रही है, सीमा पर जो विवाद चल रहा है, उसका समाधान आप कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करने की जरूरत नहीं है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन था, इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 100th मतलब 100वां संशोधन अधिनियम किया, पारित किया 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो पारित कब किया गया था 2015 में किया गया था, और इसी के बाद में बांग्लादेश को कुछ जो जमीन थी, टेरिटरी थी, वो बांग्लादेश को दी गई, और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी थी वो भारत को ली गई। इस प्रकार बाउंड्री का जो एक्सचेंज हुआ था, टेरिटरी का एक्सचेंज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का इससे संबंधित दो डिसीजन आए थे, एक बेरुबाड़ी संघ में जहां आपको टेरिटरी एक्सचेंज करनी है तो 368 के तहत आपको वो करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर आपको किसी को टेरिटरी देनी है, बट आपको टेरिटरी को रिजोल्व करना है
जो सीमा पर विवाद चल रहा है उसे सॉल्व करना है तो उसके लिए 368 की अंतर्गत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी से संविधान संशोधन पारित करके आप इस प्रकार का काम कर सकते हो। अब हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे नए राज्यों का जन्म हुआ है, इससे संबंधित एक बार देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, नए राज्यों का जन्म है, यूनियन टेरिटरी का जन्म है, इनका कैसे हुआ है। तो क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ादी के बाद से ही, मतलब आपने देखा होगा 1920 से मांग चल रही थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा ना तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने चाहिए। वो धीरे धीरे मांग पकड़ती रही, ये सब होता रहा, फिर देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो फिर अब बात उठने लगी कि अब भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। तो पहले तो एकीकरण कैसे हुआ हम उसको बारे में देख लेते, फिर भाषा के आधार पर कैसे बने उसको देखेंगे। एकीकरण की बात करें, राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन कैसे उसकी बात करें, तो आज़ाद हुआ देश तब देश दो भागों में डिवाइडेड था। पाकिस्तान भारत की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान अलग है, उसके अलावा भी दो भाग में डिवाइडेड था। एक तो था ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रांत थे उसके बारे में था, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट यानी कि जो रियासतें थी उसके बारे में था। दो पार्ट में देश डिवाइडेड था, उस टाइम में 500 से अधिक रियासतें थी और बाकी था वो ब्रिटिश प्रांत था। अब इनको ब्रिटिश जो प्रांत था ना, ब्रिटिश प्रोविंस, उनको तो स्पष्ट चॉइस थी कि आप देश में शामिल हो जाओ, मतलब भारत के पार्ट हो। ब्रिटिश प्रांत था वो तो डायरेक्ट भारत का प्रांत बन गया था, भारतीय मतलब हिस्सा बन गया था, भारत बन चुका था। बट जो ये बात करते हैं ना, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो प्रांत थे ना, जो रियासतें थी, इनको चॉइस दी गई रियासतों को कि आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो इंडिपेंडेंस रहो। ठीक है, ये 552 रियासतें थी उस टाइम में जो प्रिंसली स्टेट थी, तो इनको चॉइस दी गई, आपके पास तीन चॉइस है, आप चाहो तो भारत, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस, कहीं भी रह सकते हो। तो इसमें से ज़्यादातर जो रियासतें थी ना, 549 रियासतें, 549 जो रियासतें थी वो तो बिना कहे भारत में शामिल हो गई। उन्होंने बोला हमें तो भारत में शामिल होना है, हमें तो कहीं नहीं जाना है। बट जो तीन रियासतें थी वहाँ पे टेंशन हो गई। वो तीन रियासतें कौन सी थी, एक तो थी हैदराबाद, हैदराबाद ने कहा हमें तो इंडिपेंडेंस रहना है। फिर एक था जूनागढ़, इन्होंने कहा हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। एक था कश्मीर, इन्होंने बोला हमें इंडिपेंडेंस रहना है। अब जो हैदराबाद है, अगर ये पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो भी टेंशन थी, इंडिया में इंडिपेंडेंस रहता तो भी टेंशन थी, और यहाँ पर जो लीड कर रहा था ना, मतलब जो नेता था ना, वहाँ पर राजा था, वो था मुस्लिम था, जनता थी हिंदू। तो अगर वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया जाए तो वो भारत के हिस्से में आ जाता। बट उस टाइम सरदार पटेल जी को ये काम दिया गया था, पटेल जी ने वहाँ भेज दी सेना, और पुलिस कार्रवाई के द्वारा 2 दिन में हैदराबाद हो गया भारत का हिस्सा, साइन करे हैदराबाद हो गया भारत का, हैदराबाद को निपटा दिया। जूनागढ़ की बात आई, जूनागढ़ में बोला जनता हिंदू और राजा मुस्लिम, बोला हमें तो पाकिस्तान में जाना है, तो वहाँ पर बोला कि आप है ना रेफरेंडम यानी जनमत करवा लो, अगर जनता बोलती है हमें पाकिस्तान में जाना तो आप चले जाना। पटेल जी को पता था जनता भारत में रहेगी, तो यहाँ पर रेफरेंडम में 95% वहाँ की जनता थी, उन्होंने बोला हमें तो इंडिया में रहना है, तो जूनागढ़ भी आ गया हमारे पास में। अब बचा कश्मीर, कश्मीर को भारत ने भी छोड़ दिया, पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। बट आपको कश्मीर का थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता ही होगी, तो उस टाइम पाकिस्तान ने धीरे धीरे अपनी सेना भेजनी स्टार्ट कर दी, तो कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह जी, उनको पता चला कि हमारे पास तो पाकिस्तान है, वो कभी भी कश्मीर ले लेगा, तो इन्होंने बोला सरदार पटेल जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, और उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको बोला कि हमारी हेल्प करो। तो नेहरू जी ने और पटेल जी ने बोला हम आपकी हेल्प तो कर लेंगे, बट आपको जो विलय पत्र है ना, भारत में शामिल होने का जो पत्र है, उस पर आपको साइन करने होंगे। तो उन्होंने बोला इस पत्र में क्या है, तो इस पत्र में यही है कि आप कश्मीर को भारत का हिस्सा बना रहे हो। ठीक है, हरी सिंह जी मान गई कि हम भारत का हिस्सा बन गए हैं, मैं एक्सेप्ट करते हैं। तो भारत ने अपनी सेना भेजी, पाकिस्तान को वहाँ से भगाया, और पाकिस्तान की वहाँ से हार हुई। लेकिन वहाँ सीज फायर हो गया ना, ये गलती सीज फायर में ये गलती हो गई कि जहाँ पर जो खड़े थे सेना वही रुक गई, तो पाकिस्तान की जो सेना थी पीओके में खड़ी रहेगी, भारत की सेना थी इधर खड़ी रहेगी, तो वहाँ पर पीओके बन गया। तो कश्मीर जो हिस्सा था भारत का रह गया, और आधा जो पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार से कश्मीर का भी विलय हो गया, तीनों का विलय हो गया। इस प्रकार से इनको तो निपटा दिया। अब भारत में ऐसी डिमांड उठने लगी, अब भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड होने लगी कि हमारी भाषा अगर तेलुगु है तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश बनाया जाए, तमिल है तो वहाँ पे तमिल राज्य बनाया जाए, पंजाबी भाषा तो वहाँ पे पंजाब बनाया जाए, गुजराती है तो गुजरात बनाया जाए। इस प्रकार की भाषा उठने लगी, मांग उठने लगी। अब क्या किया, इसके लिए अलग अलग कमेटियाँ बनी, समितियाँ बनाई गई, और उन्होंने तय किया कि कौन कौन सी राज्य है वो कहाँ का शामिल होगा। तो सबसे पहले बनाई गई थी धर आयोग, धर आयोग बनाया गया था। यहाँ पर इनको बोला गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप इस पर अपनी राय बताओ, पूरी जांच करो। तो इन्होंने जांच की, उन्होंने बोला नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, राज्य है वो प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से बनने चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया, फिर से विरोध उठे,
विरोध उठे तो विरोध को दबाना जरूरी था। फिर JVP, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारमैया, इन तीनों की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इन्होंने कहा नहीं यार, भाषा के आधार पर तो नहीं होना चाहिए गठन। इन्होंने कहा गठन है वो होना चाहिए किसके आधार पर, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके आधार पर होना चाहिए। तो दोनों ने ये बोला। एस के धर ने क्या बोला था, एस के धर की अध्यक्षता में 1948 में धर आयोग बना था। इन्होंने कहा था इस आयोग का नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था, और इन्होंने कहा भाषा के आधार पर नहीं प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए राज्य का गठन। फिर 48 में नेहरू जी, पटेल जी और पटाभी सीतारमैया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, JVP कमेटी। इन्होंने कहा औपचारिक रूप से तो बोल दिया हाँ भाषा के आधार पर बनेगी, बट अंदर ही अंदर इन्होंने अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर नहीं किया, इन्होंने डिनाई कर दिया कि भाषा के आधार पर तो नहीं बननी चाहिए। फिर वापस विरोध होने लगा। आंध्र प्रदेश में जो पुट्टू स्वामी थे, श्रीमिल्लू पुट्टू थे, पुट्टू श्रीमिल्लू ऐसा कुछ नाम था, कोटी श्रीमिल्लू, तो उनकी उन्होंने अनशन किया था, वहाँ उनकी जान चली गई, तो ये दंगे भड़क गई, काफ़ी बड़ी इंसर्जेंसी होने लगी। तो फिर बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और भाषा के आधार पर राज्य गठन करने की जो मांग है उसे एक्सेप्ट कर लिया, और इसके आधार पर जो आंध्र प्रदेश है उसे भाषा के आधार पर पहले राज्य बना दिया गया था। 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया, वो तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। इसके बाद में फजल अली जो आयोग बनाया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में बाद और भी मांगें उठने लगी। आंध्र प्रदेश को बनाया गया तो गुजरात ने बोला हमें भी बनाओ, पंजाब ने बोला हमें भी बनाओ, तो फजल अली ने बोला कि आंध्र प्रदेश का गठन हो गया है, बाकी राज्यों से जो मांग हो रही उसके लिए आप करो। तो इसमें फजल अली, एम पणिक्कर थे, कुंजरू जी थे, ये 3-4 सदस्य थे इनके, और इन्होंने कहा कि जो भाषा के आधार पर राज्य है वो बना दो, आप एक्सेप्ट कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्य बना लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पंजाब वाले बोल रहे हैं कि पंजाबी जहाँ जहाँ बोली जाती है वहाँ राज्य बनाओ, ओनली वहाँ पर ओनली पंजाबी बोली वाले लोग होने चाहिए, यहाँ पर तेलुगु बोलने वाले लोग ओनली आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले होने चाहिए, और कोई लैंग्वेज का लोग आदमी व्यक्ति वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो पणिक्कर जी ने बोला नहीं, जो फजल अली आयुक्त था इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ भाषा के आधार पर आप राज्य बनाओ और वहाँ पर दूसरी भाषा के लोग भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ में वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी है, प्रशासन की दृष्टि से वो कैपेबल तो होना चाहिए कि अपना प्रशासन भी चला सके, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है, आर्थिक सिचुएशन वो भी ऐसी होनी चाहिए कि वो वहाँ का राज्य है वो चल पाए, नहीं तो ऐसे खत्म हो जाएगा, दो राज्य है, दो गाँव है, उनको आपने राज्य बना दिया पर लेकिन वो चल भी नहीं सकता, तो ऐसा राज्य नहीं बनाना है। एक राज्य ऐसा हो जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसका प्रशासन चलने योग्य भी होना चाहिए, एक उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी होनी चाहिए कि वो राज्य अपना खुद को गवर्न कर सके, खुद को चला सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार की इन्होंने अपनी बात करी थी, साथ ही साथ में इन्होंने कुछ कंडीशन भी रखी थी कि देश की यूनिटी है उसे ध्यान रखा जाए, भाषाई जो एक रूपता है उसका ध्यान रखा जाए, राज्य में जो वित्तीय कंडीशन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो होनी जरूरी है, प्रशासनिक स्टेबिलिटी है वो जरूरी है, और लोगों के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जानी चाहिए राज्यों के द्वारा, ये कंडीशन अगर मान लेते हो तो भाषा के आधार पर राज्य वो बना दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन भाषा पुनर्गठन आयोग आया था उसी के वो लेके आया था, स्टेट यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 में आया था, कौन सा एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया, और इन्होंने भाषा के आधार पर और कुछ वैसे प्रशासनिक दृष्टि से भी नए राज्यों का गठन किया, इसमें गुजरात है जो महाराष्ट्र से अलग होकर बना था, फिर पंजाब बना, राजस्थान है, हरियाणा है, इस प्रकार के अलग अलग राज्य बनाए गए। तो इससे पहले एक लिस्ट थी जिसमें ABC में बांटा गया था राज्यों, जैसे कि देखो ए में कौन से थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे वो ए में थे, और बी में कौन से थे, बी में जो विधानमंडल के थे, देखो ए में थे गवर्नर के थे जो राज्य थे वो थे, बी में जिन पर विधानमंडल चलते थे, ऐसे 10 राज्य थे जहाँ विधानमंडल, सी में कौन थे, चीफ कमिश्नर वाले जो दिल्ली है, अजमेर है, मोरवाड़ा है, उनको सी में रखा गया था, और डी में तो वो था, डी में था अंडमान निकोबार, ओनली एक ही था अंडमान निकोबार, वो डी में शामिल था। तो जो भाषाई पुनर्गठन अधिनियम आया था ना 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके बाद में जो चार ग्रुप थे ना, जो प्रकार चार प्रकार से भाषा को राज्यों को बांटा गया था, इन चारों को खत्म कर दिया, अब ओनली स्टेट और यूनियन टेरिटरी होंगे, इस प्रकार की व्यवस्था दी गई, और उसमें जो भेद था वो ABCD में वो खत्म कर दिया, अब ओनली स्टेट होंगे और राज्य होंगे। फिर इस प्रकार से अलग अलग राज्य बने, 1 नवंबर से राज्य बनना स्टार्ट हो गए। तो उस टाइम 1 नवंबर 1956 की बात करें, 1 नवंबर 1956 की, तो उस टाइम में 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब की बात कर रहे हम, 1 नवंबर 1956 की, जब ये भाषा पुनर्गठन अधिनियम आया था, सॉरी राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था ना 1956 में, तब की बात करें तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो ये अपना आंध्र प्रदेश ही बना था, फिर केरल बना, मध्य प्रदेश बना, महाराष्ट्र बना, राजस्थान बना,
अलग अलग प्रकार के राज्य बने। फिर दादर नगर हवेली उसको भी शामिल करवाया गया, गोवा को शामिल करा गया, पुडुचेरी को, सिक्किम को, इनको भारत में शामिल किया गया, फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अलग अलग बनाया। तो ये पूरा आप लिखा गया है, इसमें एक बार देख लेना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।